नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां किसान संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें भाक्यू चौधरी चरण सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी व गांव किसान उन्नयन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी सिंह ठानुआ और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनकर आश्वासन दिया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार किसान हित में अच्छे फैसले ले रही है। किसानों की रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक एक कर सभी किसान नेताओं से सुझाव मांगे और किसान को जल्द ही समस्याओं को निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। वहीं इस दौरान शिवराज सिंह चौहान समेत अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह जी के साथियों से, ठेनवा जी से, धर्मेंद्र जी और उनकी पूरी टीम और देश भर के उनके प्रमुख साथी आज यहाँ आए थे, आमंत्रित थे। और मुझे प्रसन्नता है कि किसान और खेती से संबंधित कई विषयों पर उनसे बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है। अब तक जो प्रयास किए, जैसे कल रबी की MSP ही बढ़ी है, उस सहित जितने प्रयास प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA BJP की सरकार कर रही, उसकी जानकारी भी दी और उनसे अनेकों महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। उनमें उनके रचनात्मक सुझाव भी बड़ी मात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि एक मॉडल कृषि फॉर्म बनना चाहिए, जिसमें अगर 2 एकड़, 1.5 एकड़ या 2.5 एकड़ जमीन किसी किसान के पास है तो वो कैसे खेती करे और उसको कैसे वो प्रॉफिट की खेती कर पाए। और उदाहरण वो साथ लेके आए थे संजीव जी को, कि जो 1 एकड़ में प्रॉफिट की खेती, फायदे की खेती कर रहे हैं। उन्होंने पानी पहुंचाने को लेके, उर्वरकों के उपयोग से लेके, मिट्टी को स्वास्थ्य बनाए रखने को लेकर, प्राकृतिक आपदा में नुकसान जो हुआ है उसके कारण जो तकलीफें, कोई चीनी मिल बंद थी उसके भी विषय उन्होंने उठाए हैं, और सड़क पर जो पशु है उस समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने श्री अन्न को कैसे बढ़ावा मिले इसके भी सुझाव दिए हैं। अनेकों बहुत महत्वपूर्ण उनके सुझाव आए हैं। हम सब पर गंभीरता से विचार करके, जिनके समाधान संभव है, हम उनके समाधान गंभीरता से खोजेंगे। कई विषय राज्य सरकार के, तो राज्य सरकार के विषय राज्य सरकार को भेजे जाएंगे और केंद्र सरकार के विषयों पर हम कार्रवाई करेंगे। ये किसानों से संवाद बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जमीन की समस्याओं की सीधे किसान से हमको जानकारी मिल रही है और शासकीय योजनाओं को भी किसान भाइयों बहनों तक हम पहुँचा पाए। भाग्य का विषय है कि रबी की फसल पर जो 6 फसलों पर MSP वृद्धि की गई है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उस पर माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को आभार प्रकट किया है। हमने कहा है प्राकृतिक खेती हो, चाहे मिलेट्स हो, चाहे किसानों के बिजली, सिंचाई, जो भी समस्याएँ हैं, किसानों ने 21 बिंदुओं का मांग पत्र सौंपा, जिसमें माननीय मंत्री जी ने हमसे कहा है कि बिंदुवार हम इसको नोटिस करके संबंधित विभागों को, संबंधित राज्यों को निर्देशित करने का कार्य करेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी अपने आभार यहाँ से प्रकट करेंगे। हमारे साथ आज हमारे पदाधिकारियों के डेलीगेशन, माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी से हमारा एक डेलीगेशन मीटिंग करने के लिए आया था और बहुत ही सकारात्मक हमारी जो मीटिंग रही। जो भी मांगे हमने, 21 मांगे अपनी सरकार के सामने माननीय कृषि मंत्री जी के माध्यम से रखी थी और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है, क्योंकि जो भी उन्होंने हमारी मांगे थी वो मानी और उस पर बहुत अच्छा उन्होंने जो रिएक्शन था बहुत देखने लायक था। क्योंकि हमने जो सुझाव दिए थे, कुछ मांगे थी उनके सुझाव भी दिए थे, मांगों के साथ साथ हमने सुझाव भी रखे थे उनके सामने, तो उन सुझाव में संतुष्ट थे। कौन कौन से फसलों पर MSP बढ़ाई गई? आज मैं आपको बता दूं, आपके 6 फसलों के MSP बढ़ाए गए हैं सरकार के द्वारा। गेहूं 150 रुपये, जौ 130 रुपये,
चना 210 रुपए, लेटल मसूर 275 रुपए, रैपिड और सरसों पर 300 रुपए, कुसुम पर 140 रुपए वृद्धि की गई है एमएसपी में। जिस तरीके से महंगाई जो आसमान छू रही है उस हिसाब से आपको जो एमएसपी बढ़ाई है सरकार की तरफ से, आपको नहीं लगता कि लोगों के मुंह में जीरा देने वाली बात हो रही है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, उनके मुंह में जीरा वाली बात हो रही है। उसके लिए तो हमने सरकार से कहा है कि किसान आयोग बनाए। हमारी जो प्राथमिकताओं है, जो मुख्य मांग थी वो किसान आयोग की है, क्योंकि किसान आयोग बनेगा। हमने उनसे कहा था किसान आयोग का गठन करें, क्योंकि सबके आयोग है, किसानों को भी आयोग दे दें। उसमें किसानों के हर प्रदेश से किसान रहेंगे, किसानों के सदस्य होंगे, अध्यक्ष भी किसानों में से होगा, जो कि अपनी फसल का स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी C2+50 वाली, उसके हिसाब से किसान उसकी अपनी फसल का जो भी हमारा मुनाफा होगा वो स्वयं क्या करेगा, तब किसान का भला होगा। क्या आश्वासन मिला किसान आयोग को लोग? उन्होंने ये कहा है कि आपने जो प्रस्ताव दिया है उन पर विचार किया जाएगा, और माननीय प्रधानमंत्री के साथ आने वाली जो भी उनकी कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें इस पर वो चर्चा करेंगे, और जो भी चर्चा में सुझाव आएंगे और जो भी उन्हें सुझाव और चाहिए होंगे वो हमारे डेलीगेशन एक बार दोबारा से बुलाएंगे, उसमें दोबारा से उस पर मंथन की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह संगठन के साथियों से खेती तथा किसान संबंधी विविध विषयों पर चर्चा हुई। किसानों से संवाद बहुत उपयोगी है। किसान हितैषी नीतियां बनाने तथा कृषि को लाभदायक बनाने में संवाद बहुत उपयोगी है। मैं सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हम मिलकर कार्य करेंगे और कृषि को विकसित बनाएंगे। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जाहिर है बीते दिनों ही मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।